अस्सलाम वालेकुम करते हैं जी। आज के दिन की शुरुआत कैसे हैं सब, खैरियत से हैं? कल का ब्लॉग कैसा लगा आपको, यकीन आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने सोचा कि आज आपको मैं एक ज़बरदस्त किस्म की शॉप पे लेके जाऊं, बहुत सस्ती यूके की ग्रोसरी शॉप क्या है, बल्कि बहुत बिग शॉप कह सकते हैं उसको, तो फार्म फूड के नाम से है। तो अभी आया हूँ यहाँ पे, घर का कुछ सामान लेना था, सोचा आपको साथ लेके चलते हैं, आपको दिखाते भी हैं कि प्राइसेस क्या है, बाकी चीज़ों से इनकी प्राइसेस बहुत कम है। तो आए चलते हैं फार्म फूड में, आपको लेके चलते हैं साथ साथ। तो ये है जी, देखें फार्म फूड के नाम से है, तो अंदर चलते हैं जी, लेके आते हैं। सबसे पहले तो लेंगे यहाँ से ट्रॉली के लिए हमें डालना पड़ेगा पाउंड इसमें। तो देखें जी, यहाँ पर रखेंगे इससे पाउंड, ये देखें पुश करेंगे ट्रॉली बाहर, है ना ज़बरदस्त सिस्टम। तो यहाँ से भी हम एंटर करेंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ भी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ों की प्राइस क्या है। सबसे पहले देखते सारी हमें सामने ऑयल नज़र आ गया, तो अभी प्राइसेस देखेंगे ना किस किस चीज़ की क्या क्या प्राइस है। ऑयल की प्राइस क्या चल रही है जी, यहाँ पे ऑयल की प्राइस है जी, मिक्स लेंगे तो 2432 पाउंड, यानी कि 10 लीटर के अगर दो ले लेंगे अगर हम, तो 32 पाउंड में दो आ जाएंगे, यानी कि 20 लीटर हमें पड़ेगा 32 पाउंड में, ठीक हो गया जी। तो ये देखिए जी, अभी हमने ये ले ली है 2 बॉटल्स, 20 लीटर अभी हमें पड़ गए ये 32 पाउंड में। अभी यहाँ से निकलते हैं जी इस साइड पे, तो इधर आ जाएं जी, इधर ये देखें सर्फ लगा हुआ है, सर्फ भी अगर हम दो लेंगे तो ये पड़ेगा जी 26 पाउंड में। देखें ये भी ठीक है यार, इसमें भी अगर अच्छा, वैसे अगर आप देखें ना तो 16 पाउंड ई चाहिए, तो दो लेंगे तो अभी पड़ेगा 26 पाउंड में, 12 पाउंड का पड़ गया, 12 नहीं बल्कि 13 पाउंड का पड़ गया, मेरी कैलकुलेशन क्यों गलत होगी, 13 पाउंड में एक पड़ेगा अभी अगर हम ये ले लेते हैं तो। तो ये देखें जी, ये मॉइस के लिए ये मेरी ड्रिंक्स भी नज़र आ चुकी हैं, ऑफकोर्स सस्ती ही होगी, ड्रिंक्स का एक पैकेट ये भी उठा कर रखते हैं जी इसमें ट्रॉली में मॉइस के लिए, देखें बच्चों के लिए ज़रूरी है ना यार ये। अच्छा जी, ये मिक्स एंड मैच लगा हुआ जी, 25 पाउंड में 2 पैक हैं ये वाले, इतनी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, कैंस हैं यहाँ पे सारे। ओहो देखें ना जी, अच्छा ये जो मार्केट है, मज़े की बात बताऊँ, ये आजरा से, टेस्को से, आल्डी से, इन सबसे सस्ता है यार, इन सबसे सस्ता है ये फार्म फूड। इनका मेरे पास मज़े की बात है ना, कूपन भी है, कूपन्स में डिस्काउंट भी होगा, यानी जितने की मैं शॉपिंग करूँगा उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा, वो भी मेरे पास है, वो भी दिखाएंगे ना एंड पे, वो भी डिस्काउंट हो जाएगा। समझ लगे अगर आई थिंक 60-70 पाउंड की शॉपिंग करो उसके हो सकता है 4-5 पाउंड का डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट लेंगे ना जी उसका, ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें फ्रोज़न बर्गर भी है, फ्रोज़न हमारे पास यहाँ पर जनाब, देखें चप्पली कबाब भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सारे। ये आगे जी हमारी मेरी फेवरेट सेक्शन आ गया जी, ये देखें यहाँ पे ये आ गया जी स्ट्रॉबेरी, फ्रोजन स्ट्रॉबेरी है, मैंगो भी है यहाँ पे, ये देखें वो एक स्ट्रॉबेरी पैक रखते हैं जी इसमें, एक मैंगो पैक दे दें जी, मैंगो भी पकड़ा दूँ मुझे आप। अच्छा 3-4-6 पाउंड, यानी 2 पाउंड ईच पड़ा है हमें, देखें ना ज़बरदस्त हो गया जी। आ जाओ जी आगे आ जाए, ये आगे आ जाए, ये चीज़ ये आगे जी हमारी टी पी जी, यहाँ की फेवरेट, यहाँ की मशहूर टी है जी, यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय जो ये वाली है। अच्छा ये पैक कितने का लगाया है इन्होंने, लगाया हुआ जी 249 पाउंड, 4-4-16 पाउंड, यानी कि 475 ईच, अगर हम चार लेंगे तो 4 पाउंड का एक पड़ेगा, 4×16, तो दो लेंगे तो 450 का ईच पड़ेगा। तो भाई टी का पूछते हैं, टी की ज़रूरत है अभी है घर में, ज़रूरत नहीं अभी है घर पर भी, ठीक है अभी हमने टी नहीं लेनी जी। वैसे आपको प्राइस दिखा दी, प्राइस रियली रीजनेबल। अच्छा जी यहाँ पे आ जाए, ये देखें जी ये बच्चों के लिए यहाँ पे सारे योगर्ट्स लगे हुए हैं बच्चों के लिए यहाँ पे जैसे एक्टा मिले, देखें रीजनेबल प्राइस लगी हुई है, 3.299 आजदा में ये लगा हुआ है, 375 आई थिंक बल्कि 4 पाउंड का हो चुका है जी आजदा में ये, तो यहाँ पर भी कम है ये। नहीं जनाब हमारी मानों का खाना भी नज़र आ गया यहाँ पे, देखें इधर इन्होंने लगाया हुआ है कि जी 2 पैक लेंगे तो 25 पाउंड में पड़ेंगे, 3 लेंगे तो 30 पाउंड में पड़ेंगे, तो भाई अगर 3 लेंगे तो 30 पाउंड में यानी कि 10 पाउंड ईच पड़ेगा, मगर इसमें अभी हमने ये देखना है कि जो मिक्स हो ये सिर्फ फिश वाला नहीं चाहिए हमें, जो इसमें हमारे पास मिक्स हो ना सिस्टम, तो वो देखेंगे कि सारा फिश है ये क्या जी, देखना पड़ेगा। ये देखें प्राइजेस, सॉस लगी हुई है 2 पाउंड की, ये केचप लगी हुई चिली सॉस है जी 250, ठीक हो गया। यहाँ पे एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेंगे, एक तो टाइम भी ज़्यादा, 2-3 महीने गुजर जाते हैं इसलिए, और प्राइस भी वेरी रीजनेबल है यार,
मुझे रिकमेंड किया मेरे बड़े भाई ने, वसीम भाई ने, वो यहीं से लेके जाते होते हैं। उन्होंने कहा यार फार्म फूड से बाय करो जाके चीज़ें, आजरा और टेस्को को भूल जाओगे। तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे, वैसे मैं आता नहीं हूँ क्योंकि प्राइस रीजनेबल मुझे था कि यहाँ पे कम होगा, बाकी कम है यार, बाकी कम है। तो जी फिर देखें जी, ड्रिंक्स लगी हुई जी 6 for 9 pounds में। ड्रिंक्स हमने नहीं लेनी बिल्कुल भी, ड्रिंक्स आजकल मैंने घर में बिल्कुल बायकॉट किया हुआ है ड्रिंक्स का। ड्रिंक्स हमने नहीं लेनी जी किसी भी किस्म की। मैं वैसे आपको प्राइस दिखा रहा हूँ, तो 6 for 9 pounds है। इसमें देखिए काफ़ी फ्लेवर्स हैं, इसमें फैंटा का ये वाला फ्रूट ट्विस्ट है, आयरन ब्रू है, लेमनेड भी आ गया, इसमें देखिए स्प्राइट भी आ गई, सब 6 for 9 pounds। तो रीजनेबल प्राइस लगी हुई है यार। हाँ फ्राइज ठीक है, ये देखें फ्राइज का सेक्शन है यहाँ पे। ये देखें जी रेड बुल लगी हुई जी 3 for 11 pounds, यानी कि 3 boxes अगर ये लेंगे, वैसे एक बॉक्स की प्राइस है 5 pounds, यानी कि 15 pounds बनते हैं। तो 11 pounds में मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बचत है यार इसमें, 4 pounds की बचत है सीधी सीधी अगर 3 boxes ले लेते हैं तो। कितना फ़ायदा देखें, रेड बुल तो अक्सर लोग पीते हैं, जैसे हम कहीं ट्रैवल पर निकलते हैं तो रेड बुल की जरूरत तो पड़ जाती है ना, तो इस लिहाज से जी। लैकोजिट भी देखें, लैकोजिट भी सस्ता लगा हुआ है, 4 लेंगे तो 9 pounds में है 4, यानी कि ये वाले एक पैक में 4 होते हैं, तो ये 4 इकट्ठे लेंगे तो 9 pounds में है। तो ये आ गया जी ब्रेड का सेक्शन, ब्रेड देखते हैं कितने की लगी हुई जी। देखें जी ब्रेड उन्होंने लगाई हुई, अगर 2 लेंगे तो 230 की मिलेगी, यानी कि 115 की एक, तो बाहर इसकी प्राइस चल रही है जो 130, तो इट्स मीन 15p की आपको ईच में बचत हो रही है यहाँ पे। चॉकलेट सेक्शन भी आ चुका है जी, डब चॉकलेट की प्राइसेस आपको पता है, पौन 1.5 pounds 2 pounds यही प्राइस चल रही होती है। तो ये तो बच्चों का फेवरेट सेक्शन है जी, बच्चों का, बच्चे साथ नहीं अभी, वरना बच्चों ने सबसे पहले इधर से चीज़ें उठानी थी। तो ये सीरियल आ गए हैं जी यहाँ पे, सीरियल में कोको पॉप्स है यहाँ पे जी, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें। अच्छा सीरियल के लिहाज से आपको मजे की बात बताऊँ, आजदा चीपर है, आजदा में अगर आप 2 लेते हैं ना तो आपको 5 pounds मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ऑलमोस्ट वही है, 4 लेंगे तो 10 pounds में। तो इसका मतलब है कि सीरियल की प्राइस को डिफरेंस नहीं है, सेम प्राइस है, इसलिए आप आजदा से लें चाहे यहाँ से लें, आपको कोई डिफरेंस ज़्यादा फील नहीं होगा। तो आइसक्रीम देखें जी, आइसक्रीम भी लगी हुई यहाँ पे, अच्छा आइसक्रीम लगी हुई 2 pounds का ये बॉक्स है ये वाला फार्म फूड का। इसके अलावा स्नैकर्स देख लें, ये भी 3 pounds में है। आइसक्रीम की प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया मुझे खास। तो आइसक्रीम ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम ही होती है यार वैसे, एक 3 for 10 pounds है ये, हाँ ये चीपर लगी हुई है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है अगर वैसे बाहर से लेना, तकरीबन ये देखे ना लगाई हुई उन्होंने 480 ईच है वैसे ये, तो इधर काफ़ी सस्ती लगी हुई है ये वाली आइसक्रीम। तो यहाँ पे आगे जी घूमते घुमाते ये चेक करें कि घर में खुशबू के लिए भी क्या क्या चीज़ें ज़बरदस्त पड़ी हुई हैं यहाँ पे, इनके पास क्या क्या फ्लेवर्स हैं। कैंडल जिसमें लगा दें और खुशबू निकलती रहती बाहर, तो वो ये पड़े हुए सारे फ्लेवर आपके सामने हैं। तो प्राइस इन्होंने 10 pounds ईच लगाई हुई जी, ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव होती हैं यार ये चीज़ें। तो ये आगे जी एक्स का सेक्शन, ये देखें यहाँ पे लगे हुए 299 के, ये देखें यानी कि 12 अंडे फ्री रेंज के साथ, आई थिंक ये हाँ फ्री रेंज वाले ही हैं, कहाँ लिखा हुआ है फ्री रेंज, कहाँ लिखा हुआ है नज़र नहीं आ रहा। फ्री रेंज का मतलब है जी कि देसी अंडे जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, तो ये फ्री रेंज वाले अंडे नहीं हैं, इसलिए थोड़े सस्ते लगे हुए हैं 299 के। अगर फ्री रेंज होते तो फिर भाई मेरे ये थोड़े एक्सपेंसिव होते, यानी कि समझ लें कि ये सादे अंडे हैं जो पाकिस्तान में जिसे कहते हैं जी बलैती अंडे, ये वही हैं, कलर इनका जो है ना ये हुआ है। अच्छा कॉफ़ी मेट है जी, वो कॉफ़ी मेट है जो मैं ऑफिस में आपको पता है कॉफ़ी बना रहा होता हूँ, ये वो वाली है 2 for 11 pounds, यानी कि चीपर लगा हुआ यार। वैसे लें तो 6 pounds का, 2 लेंगे तो 11 pounds के आपको ईच मिल जाएगा, रीजनेबल प्राइस में हो जाता है। यॉर्कशायर टी भी है, ये भी बड़े फेमस है जी यॉर्कशायर टी, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं लगा हुआ, कोई डिस्काउंट नहीं है, 5.5 pounds की, वैसे 50% फ्री, 50 फ्री टी बैग्स इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, तो वैसे इसके ऊपर डिस्काउंट कोई नहीं। अगर फ्री रेंज होते तो फिर हमें ज़रूर पिक करते हैं यहाँ से, फ्री रेंज नहीं इसलिए हमें ज़रूरत नहीं भाई इसकी, क्योंकि देसी अंडे खाने चाहिए बच्चों को, ज़रा ताकत मिलती है ना जी, वलायती अंडे वलायत में रहकर वलायती अंडे क्यों खाने हैं। ये देखें जी, ये जी मेरे पास फार्म फूड के वाउचर 23 pounds वाउचर इनसाइड लिखा हुआ है, ये देखें यानी कि जितना बिल बनेगा उसके ऊपर 23 pounds हमें डिस्काउंट हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अभी देखें यहाँ पे भी ये सीरियल पड़े हुए हैं, सारे सीरियल दे रहे हैं 3 pounds ईच के हिसाब से, 720 grams इसके अंदर होगा, 4 for 10 pounds मिक्स एंड मैच, यानी कोई भी आप 4 इकट्ठे लेंगे तो आपको 10 pounds के मिल जाएंगे, मुनासिब है यार ठीक है। तो ट्रॉली हमारी की तरह जी, ट्रॉली देखते हैं, ट्रॉली का जो टोटल बिल बनेगा उसके ऊपर 23 pounds हमें डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो ये जी हमारी ट्रॉली, तो ट्रॉली में अभी थोड़े से सामान है, ज़्यादा सामान नहीं है जी। बच्चों के लिए नूडल्स भी ले लिए हैं, ये देखें 3 pounds के, यानी 1 pound ईच है ये,
3 फुट पाउंड। अच्छा पाउंड के ये 3 है जी, और ये भी पौंड के 5 हैं। देखें यार क्या चीपर है यार, यानी पौंड में 5 शाशे इसके अंदर है, ये पौंड के 3 शाशे हलाल हैं, हमने चेक कर लिए हैं। तो लेने से पहले ये ज़रूर चेक करना है कि कौन सी चीज़ हलाल है कि नहीं है। नोटेला भी बच्चों के देखें यहाँ पड़े हुए, पौंड का लगा हुआ है ये वाला, ये नोटेला के नाम से ही कोई कंपनी हो रहा है। ये चेक करें, ये भी ठीक है यार, मुनासिब रीज़नेबल प्राइस लगाई हुई, 1 पाउंड ईच है। तो ये है जी हनी, देख रहे हैं आप 5 पाउंड की बॉटल लगी हुई है ये। अच्छा जी ये आ गया जी हमारा रसबेरी सीडलेस जैम है जी, सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के लिए। एप्रिकॉट भी है यहाँ पे, ये चेक करें, ये सीडलेस लगे हुए सारे ही। तो 1.5 पाउंड के, पहले ये 1 पाउंड के होते थे, अभी 1.5 पाउंड के हो चुके हैं जी। अगर 1.5 पाउंड का यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि आजडाउ टेस्को में इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा भाई। देखा आपने, मुनासिब है यहाँ पे कीमत, जो जितना बिल बनेगा उसके ऊपर भी डिस्काउंट हो जाएगा 23 पाउंड। ठीक है ना, बेस्ट करते हैं, चले चलते हैं जी, अभी चलते हैं क्योंकि जितना छोटा मोटा सामान लेना वो तो हमने ले लिया। तो अभी यहाँ से काउंटर पे चलते हैं, सीधा पे करते हैं। काउंटर देखिए ओपन है, तो यहाँ से ये देखें, ये किचन का भी सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, फेरीज वगैरह भी हैं। देख रहे हैं आप सारा किचन का सामान थोड़ा महंगा होता है। ये देख रहे हैं, ये भी फेरी लगी हुई है 11 पाउंड की। तो ये जनाब हमारा, देखिए इतनी ज़्यादा हमने शॉपिंग कर ली और बिल बना हमारा ओनली फॉर 52 पाउंड इसलिए बना क्योंकि हमारा 5 पाउंड उसमें डिटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी आज के दिन सिर्फ 2 वाउचर यूज़ होंगे 5 पाउंड के, नेक्स्ट आएंगे फिर यूज़ होंगे। इसमें टोटल आप डे बाई डे इस हिसाब से यूज़ करते रहेंगे तो 23 पाउंड आपको कम्प्लीट हम माइनस कर देंगे। तो फिलहाल हमारी देखें ये सारी शॉपिंग हुई। देखें क्या इसमें बिग 20 लीटर की तो बोतल ही आ गई है, इसमें बच्चों के ये भी ड्रिंक्स भी आ गए, इसमें ये सारी ड्रिंक्स हैं। इस तरह ये देखें फ्रोजन हमारे पास ये आ चुके थे हमारे लिए बनाने के लिए, मिल्क शेक के लिए और मोइस के लिए नूडल्स भी आ चुके हैं। ये सारी शॉपिंग हमने की है तो ये बना जी 52 पाउंड टोटल। खाली यही ऑयल बाहर से ठीक ठाक, यानी हो सकता है बाहर से सिर्फ और सिर्फ इसी ऑयल के हमारे 50 पाउंड बन जाते हैं, जो यहाँ पे 52 पाउंड में हमारा सब कुछ आ गया। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, सस्ती मार्केट फार्म फूड इन ब्रेडफोर्ड में। यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आगे न्यू व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिएगा। तो मेरे व्लॉग को प्लीज़ जो नए अभी देखने वाले हैं सब्सक्राइब मस्ट कीजिए और शेयर मस्ट कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।